हमारी सरकार ने ये नेटफ्लिक्स और अमेजोन वालों की पूरी तरह से लंका लगा दी है, बेचारे रो रहे हैं। अब बवाल क्या है, ध्यान से सुनना। कुछ टाइम पहले हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन ओटीटी वालों को बोला था कि भैया जिस तरीके से फिल्मों में कोई भी स्मोकिंग का सीन आता है तो वहां पर नीचे हेल्थ वार्निंग दी जाती है, अब तुम्हें भी ये काम अपने ओटीटी पे करना पड़ेगा। अब इन लोगों के पीछे से धुआं निकल गया है। वो क्यों? अब हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हजारों घंटों का कंटेंट डला है, न जाने हजारों फिल्में हैं, कितनी वेब सीरीज हैं, ये वीडियो वो वीडियो फलाना ढिमकाना। अब एक एक वीडियो पे जाके एक एक सीन को ढूंढ के फिर से उसे एडिट करना, हेल्थ वार्निंग डालना, इनका तो सिर में दर्द हो गया ये सोच के, बेचारे डरे पड़े हैं। अब एक और परेशानी, जब फिल्मों में वो हेल्थ वार्निंग आती है वहां पर तो देखने वाले की मजबूरी होती है, भैया 300 रुपए की टिकट खरीदी है, पर ओटीटी पे जब ऐसा होगा तो देखने वाले का मूड ब्रेक होता है, तो हो सकता है वो चैनल चेंज कर दे। अब ये लोग लीगली इस ऑर्डर को चैलेंज करने की सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।